हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मैं अनीता जैन आज 5 किचन टिप्स बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम चावल बनाते हैं और चावल बच जाते हैं तो इसके कटलेट तो बनते ही हैं, पराठा भी बनता है, तो आज मैं इसकी खीर बना के बताऊंगी। ये मैंने 750 मिलीलीटर दूध लिया था, इसमें से मैंने आधा किलो बचा लिया। इस तरह से इसे उबाल ले पहले और फिर जो ये चावल है इन्हें डाल देंगे और अब इन्हें पकने देंगे। तो इस तरह से आप बचे हुए चावल से खीर बना सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी खीर बनी है, कोई कह ही नहीं सकता कि बचे हुए चावल से हमने खीर बनाई है। जब भी हम नए मटके में पानी डालते हैं तो उसे किस तरह से डालना चाहिए और किस तरह से साफ करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें कभी भी अंदर हाथ इस तरह से नहीं दे पानी डाल के। अगर पानी डाल के हम हाथ देंगे तो पानी में बदबू आने लग जाती है। तो किस तरह से साफ करना चाहिए, मैंने नया मटका लिया है, पहले तो बाहर से साफ कर लेंगे इसे। इस तरह से अंदर पानी डालेंगे इसमें, और अब इसे इस तरह से घुमाएंगे, चारों तरफ से घुमाएंगे पूरा अच्छी तरह, पानी इसमें पूरी मिट्टी इसमें साफ हो जाए। कभी भी इसमें अंदर हाथ देके कभी भी साफ नहीं करना चाहिए मटका, जब पुराना हो जाए तब कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे और इस तरह से इसे 3 से 4 बार पानी से साफ कर लेंगे, जो भी इसमें मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। तो जब भी नया मटका काम मिले तो उसे इस तरह से पानी से साफ करना चाहिए। जब भी हम करेले की सब्जी बनाते हैं और वो कड़ी बनती है, करेले वैसे तो कड़े होते ही हैं, तो हल्की सी तो कड़ी लगती है, लेकिन वो हल्की सी कड़वाहट को मिटाने के लिए जब हम करेले की सब्जी बना लें, ये मैंने छोंक दी है। अब से ये मैंने 250 ग्राम करेले लिए हैं, तो 1/4 चम्मच चीनी डाल देंगे। अब उसके अकॉर्डिंग आप डाल दें और फिर जैसे भी आप करेले बनाते हो वैसे करेले बना ले, इससे कि कड़े कम लगेंगे। जब भी हम दूध के भगोने को खाली करते हैं तो इस तरह से इसमें मलाई रह जाती है, तो किस तरह से साफ करें, इसमें डायरेक्टली मैं गेहूं का आटा लगा लूंगी। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है और इसमें ही हम चपाती का आटा तैयार कर लेंगे, तो हमारा चपाती का आटा भी लग के तैयार हो जाएगा, दूसरा बर्तन भी नहीं होगा और इस तरह से छुड़ा ले इसे, सारी मलाई वलाई सब इसमें से निकल जाएगी। पानी डाल के हम आटा तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप भी भगोने को साफ कर सकते हो। जब भी हम बाजार से आलू प्याज लाते हैं और इन्हें एक साथ ही रख देते हैं, आलू और प्याज को एक साथ रख देते हैं, तो इस तरह से नहीं रखना चाहिए। आलू और प्याज को इस तरह से अलग अलग रख देना चाहिए और आलू में एक लहसुन की इस तरह से गांठ ले लें, इसे बीच में रख दीजिए, तो इससे आलू लंबे समय तक चल जाएंगे। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।